मगर इस बार किसके सर पर सजाई जाएगी? एक अच्छा प्रयास यहाँ पे फुलचांद माली का और सीधे गोल में तब्दील हुई। सभी को भली भांति ज्ञात होगा, आप सभी को जानकारी है ये मैच जैसे ही समाप्त होगा डांस का धमाल चलने वाला है और उस डांस के धमाल में आप सबों का फिर से स्वागत होगा। हमारे डांसर कलाकार उपस्थित हो चुके हैं अपना डांस प्रस्तुत करने के लिए। कोटे के पहला शूटिंग के लिए खिलाड़ी तैयार हो चले हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट, प्रेम टुडू की तरफ से चार नंबर के खिलाड़ी कोटे का पहला शूटिंग गोल में परिवर्तित किया। कोटे का प्रथम शॉट अजनबी एफसी की तरफ से और इस बार चेतन सोरेन को चकमा देती है गोल, यानी गेंद चली गई थी गोल जाल पर। एक एक की बराबरी। अगला शॉट इस बार और ये जिम्मेदारी लेंगे प्रकाश प्रकाश सोरेन जैसे नंबर पांच कोटे का दूसरा शॉट के लिए जिम्मेदारी लेते हुए रन अपर। एक अच्छा प्रयास गोल रक्षक के द्वारा, पूर्व अनुमान लगाए जा चुके थे मगर टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पाए गोल रक्षक, पहले ही पता चल चुका था कि किधर गेंद आएगी। पिछले मैच में चैतन सोरेन ने एक रिकॉर्ड बना डाले हैं, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सेव का एक महारिकॉर्ड बना है और इस बार भी उस इतिहास को दोहराने का प्रयास करेंगे। मगर इस बार बहुत ही चौकन्ने सात नंबर के खिलाड़ी अजनबी के गोल रक्षक को देखते हुए भागते हुए उसके बाद गेंद को रिलीज किया और गोल में तब्दील किया। दो दो की बराबरी हो चुकी है। अजनबी एफसी की तरफ से दो शूटिंग हो चुका है और बीटीएमएस मर्दोबा की तरफ से दो शूटिंग हो चुका है और दोनों शॉटर ने शूटिंग को गोल में तब्दील कर चुके हैं। जनसयाम बढ़ चुका है इस फुटबॉल टूर्नामेंट में।
एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य इस माहौल में अगला शॉट है बीटीएमएस मर्दुबा की तरफ से और शूटिंग में कोई खराबी नहीं थी, बहुत ही करारा शॉट था, गोल रक्षक ने प्रयास भी किया था, हाथ में लगा भी था मगर इतनी पावर थी शूटिंग में कि आखिर गोल में तब्दील हो ही गई। मगर इस बार असली रन में आ चुके हैं चेतन सोरेन, वही शॉट में कोई खराबी नहीं थी जो चार नंबर के खिलाड़ी ने शूटिंग किया था अजनबी एफसी के, मगर इस पावरफुल शूटिंग को बिल्कुल पावरफुल तरीके से सेव कर चुके हैं चेतन सोरेन। और चेतन सोरेन को इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला शॉटर आ चुके हैं, इस बार गोल रक्षक और कोशिश हुई थी गोल रक्षक की तरफ से मगर अनुमान नहीं लगा पाए कि गेंद किधर जाएगी, चकमा खाया गोल रक्षक, ऑफिस से गोल में तब्दील हुआ। और फिर से इस बार चैतन की बारी, क्या इस बार पड़ेंगे शॉटर से भारी, और कहानी रचने के लिए जाने जाते हैं चैतन सोरेन को, क्या इस मैच में भी मुख्य रचयिता होंगे चैतन सोरेन, पिछले मैच में भी हैट्रिक सेव किया था। और अच्छा प्रयास जमीनी शूटिंग था मगर गोल में तब्दील हुई। चांद गेंद को पकड़ते हुए बहुत कुछ निर्भर करेगा शूटिंग में। कौन होगा इस टूर्नामेंट का बादशाह, इस टूर्नामेंट का ताज कौन सा दल पहनेगा, किसके सर पर सजाई जाएगी। एक अच्छा प्रयास यहां पे फुलचांद माली का और सीधे
गोल में तब्दील हुई और इस वर्ष के सीजन के चैंपियन टीम बेटे में